जय जिनेंद्र। आंखें चौंधिया जाएंगी या देखते रह जाओगे, या आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जैसे मुहावरे यहां सही बैठते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज तारंगा धाम चूरी की। बेहद ही मनमोहक और आकर्षक बारीक नक्काशी के लिए बेहद प्रसिद्ध है यह मंदिर। यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। द्रांगाद्रा के पास एक छोटा सा गांव है चूरी। अहमदाबाद से कच्छ के रास्ते में पड़ता है यह छोटा सा गांव। अहमदाबाद से चूली करीब 135 किलोमीटर है। हम संकेश्वर से चूली पहुंचे थे जो कि करीब 103 किलोमीटर था। तो आइए देखते हैं क्या खास बात है इस मंदिर की। 16 बीघा भूमि में फैला हुआ है यह श्री तारंगा धाम। बेहद ही मनमोहक और आकर्षक बारीक नक्काशी के लिए बेहद प्रसिद्ध है यह मंदिर। यहाँ की कार्विंग्स बड़ी ही इंट्रिकेट और बहुत ही बारीकी से की गई है। यह सब पत्थर पर की गई कलाकारी है, जरा भी विश्वास नहीं होता। यहाँ का हर कोना, स्तंभ, छत, दीवारें, उफ, कलाकारी के अद्भुत नमूने हैं। इधर यह पत्थर जैसलमेर से लाए गए थे। इन पर नक्काशी का काम उड़ीसा के कारीगरों द्वारा किया गया था। इस मंदिर को पूरा बनने में लगभग 13 साल लग गए। मंदिर की प्रतिष्ठा करीब 2011 में हुई थी। पहले यह सिर्फ एक विहार धाम हुआ करता था। गुजरात में अगर देखा जाए तो ज्यादातर मंदिर नागर शैली में बनते हैं, मगर आचार्य भगवंत के सुझाव से यहां पर द्रविड़ शैली यानी साउथ इंडियन स्टाइल में यह मंदिर बनाया गया है। इन मूर्तियों को जरा ध्यान से देखिएगा। सैकड़ों छोटी छोटी मूर्तियां इन बड़ी मूर्ति को एक आकार दे रही है। मैंने ऐसी डिजाइन सिर्फ कंप्यूटर पर देखी है, पर आज यहां वास्तविकता में देख रहा हूं। इस हाथी को भी जरा गौर से देखिएगा। मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत अंदर से है। हो सके तो आप एक बार यहां जरूर आइएगा। अंदर की बात तो निराली है। यहाँ के मूल नायक अमी जरा अजितनाथ जी प्रभु की प्रतिमा श्वेत वर्ण की पद्मासन और प्रसन्न मुद्रा में है। यह प्रतिमा करीब 350 साल पुरानी है और कच्छ से लाई गई थी। यह प्रतिमा चौमुखी है। यहाँ आपको आदिनाथ जी, प्रभु श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी और प्रभु श्री महावीर स्वामी जी की पावन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है अमी जरा अजितनाथ जी के साथ। इस पावन एवं खूबसूरत तीर्थ में आराधना भवन, गुरु मंदिर, सुंदर गार्डन के बीच बच्चों के लिए खेलने और मनोरंजन के पूरे साधन हैं। जब 180 लोगों का ग्रुप दर्शन के लिए जाता है तो थोड़ी बातचीत, परिचय, एक दूसरे को जानने का अवसर
और थोड़ा मनोरंजन, थोड़ी खुशी तो बनती ही है। और इस बीच कब शाम होती है पता ही नहीं चला। रात की लाइटिंग्स में तो यह मंदिर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। दिन का अंत होता है प्रभु की आरती और भक्ति से। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।